तो नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह के अभी 9 बज रहा है, अभी मैं पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ फेरी पर चलने के लिए, और लोड भी दोस्तों कर लिया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी निकलते हैं, धूप काफ़ी है, गर्मी इतना है कि पसीना पूरा शर्ट गीला हो गया। तो अभी चलते हैं, टोपी इधर है पहन लिए, और चलिए चलते हैं। फर्स्ट बोनी होने के बाद फिर मिलते हैं, धूप काफ़ी है दोस्तों। गाँव दोस्तों घूम लिया, और बोनी भी दोस्तों अच्छा हुआ है, 5:30 सेलिंग हुआ है, एक गांव में घुमा हूँ। टाइम दोस्तों अभी 10 बज गया है, तो चलते हैं घूमते हैं अगला गांव चंडिया में, देखते हैं चंडिया में कितना का सेल होता है। फाइनली दोस्तों 5 टोला का एक गांव चंडिया है जो कि घूम लिया। अभी दोस्तों 1:45 हो रहा है, तो थोड़ा सा बांस का पेड़ है तो यहीं पर रुके हुए हैं। और अभी तक टोटल सेल की बात करें तो दोस्तों हो गया है लगभग 1500+ का सेल हो गया है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसके बाद में चलते हैं अगला गांव कोठिया राय पिपरारी। 3 गांव का एक ही सूर से जो है ना, 3 गांव है, तीनों गांव घूम करके फिर मिलते हैं। ये थोड़ा सा 10 मिनट रुक के, 1:45 हो रहा है तो 1 बजे से इधर से निकलेंगे। तो यहीं पर रुके रुके 300 का सेल हो गया, एक ओढ़नी 300 का हो गया सेल, 200 का और नाइटी और 100 का ओढ़नी। तो अभी चलते हैं दोस्तों घूमते हैं, अभी 1:05 अभी बाकी है। तो टाइम 5:30 हो रहा है और अभी 1 घंटा समय है, और हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है, जितना का टारगेट लेकर चला हुआ था सेल का। और दोस्तों अभी इस रास्ते से आया हूँ, बहुत ही जर्किन वाला रास्ता है, देख सकते हैं। बारिश के मौसम में तो और दिक्कत हो जाएगा, इधर जा भी नहीं पाएंगे, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों चलते हैं, ये साइड होकर के जो है ना, इधर से ही आया हुआ था, और इधर से ऐसे घूम करके आया हुआ था, और ऐसे होके इधर चलेंगे, इस तरफ चलेंगे। तो चलते हैं गढ़वा घूमेंगे, एक गांव और घूमेंगे क्योंकि 1 घंटा समय और है। तो घूमते हुए चलते हैं सीधे घर। तो आते आते रास्ते में 350 का सेल हुआ है, और दोस्तों अभी 6:15 हो रहा है। तो चलते हैं सीधे डायरेक्ट घर की तरफ, मुझे थोड़ा सा सब्जी लेना है। तो नज़दीक अपना घर से जो है ना, नज़दीक वाला बाजार है आज, तो चलते हैं सब्जी लेंगे थोड़ा, उसके बाद में चलेंगे घर में। हुए हुए हुए। भिंडी कैसे है भैया? भिंडी बैगन कैसे है? बैगन कॉफी कैसे है? कॉफी ला दू 10 किलो। अंबारी कुछ सब्जियां ले लिया हूँ और रख लिया हूँ अंदर में पीछे। तो दोस्तों अभी चलते हैं, अभी धूप थोड़ा है ही दोस्तों, अभी 6:30 हो रहा है। तो चलते हैं सीधे घर की तरफ, रास्ते में भी बिकता है, एक गांव पड़ता है हमको घर जाने में, देखते हैं बिकता है कि नहीं। फिलहाल दोस्तों घर भी मिलता है। आज सवेरे ही आ गया दोस्तों, अभी देख सकते हैं अभी अंधेरा भी पूरी तरह से हुआ नहीं है, अभी होने ही वाला है, बेर डूब चुका है। तो अभी सारे माल को उतार के अभी लगा दिया गाड़ी, अभी चलते हैं मुँह धोकर के फ्रेश होते हैं। खाना उना खा करके दोस्तों पूरी तरह से मैं निश्चिंत हो गया हूँ, और टाइम दोस्तों अभी 7:45 हो रहा है, तो अभी अंधेरा है देख सकते हैं। और अभी मैं छत पे हूँ, गर्मी काफ़ी है दोस्तों, और हमारा पंखा खराबी है, नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों आज का सेल की बात करें तो 5:30 बजे तक तो हुआ था, टारगेट पूरा हो चुका था 4000 का हमारा, लेकिन उसके बाद से 400 का सेल हुआ है, 400 का सेल हुआ है जिसमें से मुझे 50 रुपया खर्च हो गया है, तो 4350 रुपया। तो आज का टोटल सेल 4350 रुपया का सेल है। कितना किलोमीटर की बात करें तो मात्र 15 से 20 किलोमीटर, यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे कोठिया बांध पड़ ले घुमा हूँ नदी के आसपास तक, तो यहाँ से मात्र 4 से 5 किलोमीटर होगा डायरेक्ट, लेकिन घूमते हुए लगभग 15 से 20 किलोमीटर, इतना ही दूर आज घुमा हूँ। सेल दोस्तों मस्त हुआ है, और दोस्तों अभी मैं छत पे हूँ, गर्मी काफ़ी है,
इतना ज़्यादा गर्मी है कि पूरा शर्ट गिरा है। छत पे हूँ फिर भी थोड़ा सा हवा नहीं चल रहा है। तो आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं जिस तरह से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ उस तरह से बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों काम एक साथ करने में जो है ना प्रॉब्लम आता है। दो काम में से एक ही काम सही से होगा, नहीं तो दोनों काम पर फोकस जाने पर जाए ना दोनों काम में तो सही से नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पूरा फोकस इस समय जो है ना फेरी पर है, वीडियो पर ज़्यादा फोकस नहीं है। सीधे मैं बना रहा हूँ लेकिन फोकस नहीं है। अगर मैं जिस तरह से बनाना चाह रहा हूँ वीडियो फेरी वाला, उस तरह से मैं बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर बनाऊँगा उस तरह से तो मेरा फेरी वाला काम डाउन हो जाएगा। इसके लिए जिस तरह से बनाना चाह रहा हूँ उस तरह से बना नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज का इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।